Hello, my name is Divyasagar and I'm a second year medical student at Medical College Basti. And today I am at Bundelkhand Medical College in Madhya Pradesh. And today with me, I am with my friends making a vlog about this college. And also we are going to City Forest today. So let's talk to my friend. Introducing to you with Dipesh here. Let's see what he has to say to you. Hello, my name is Dipesh and I am a Sagar ka second year student. And I am today... दिव्यसागर फन हो गया इधर तो दिव्यसागर को सागर घुमाने जा रहा हूँ दिव्यसागर को सागर घुमाने जा रहा हूँ तो दिस इज हाउ कॉलेज लुक्स फ्रॉम द फ्रंट व्यू इंटीरियर व्यू एक्चुअली वहाँ पे भी देख ले बाजू वाली चीज तो पूरा माहौल बना हुआ है टू बी प्रिसाइज अभी अपन सिटी फॉरेस्ट की स्टार्टिंग पे जाने वाले हैं okay, फिर ऊपर okay. जैसा आप आसपास देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल जला दिए गए हैं यहाँ के मेंटेनेंस काम के लिए करे गए हैं बस बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर तो हम लोग इस छोटे से माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं एंड दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल प्लेस क्या ही बोले समझ में नहीं आ रहा है कुछ मत बोलिए बस जगह दिखा दीजिए तो आगे ऊपर क्या दिखने वाला है यहाँ पे यहाँ सनसेट पॉइंट आने वाला है ओके okay. तो हम लोग सिटी फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं थोड़ा सा टाइम हुआ है हमें ओप्स और हम लोग एक्चुअली सनसेट पॉइंट पे जा रहे हैं मॉर्निंग में सनराइज भी दिख सकता है हाँ तो आज हम लोग सनराइज देखेंगे सनसेट पॉइंट पे नहीं नहीं कर सकते हो यू कैन डू इट शुभम 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 ज्यादा क्लोज है तो ज्यादा क्लोज हो जाए मैं किसी और के क्लोज होने लायक नहीं बचूंगा इसकी क्लोज हो जाएगी देख बड़ा ये हरा हरा हाय बंबू नॉर्मल है सो एज यू कैन सी इस छोटी सी जगह का लैंडस्केप बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है पहले हम देख रहे थे कि सिर्फ प्लांट्स थे अब यहाँ पे बैम्बू प्लांट्स मिले हमें और उनकी जो सूखी पत्तियाँ हैं उनकी वजह उसकी वजह से इस जगह की खूबसूरती और भी बढ़ती जा रही है तो देखते हैं कि फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद इतने दूर चलने के बाद हमें क्या दिखता है ऊपर तो बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर एंड सो लेट्स सी आगे बढ़ते रहते हैं सो फाइनली हम सनसेट पॉइंट पर पहुँच चुके हैं तो देखो वो लोग पहुंच भी गए एंड लेट मी गो टू द प्लेस ओके आई एम कमिंग वेट फॉर मी तो इस जगह से आप पूरा सिटी देख सकते हो एंड वी आर इन द फॉरेस्ट और इस जगह को कहते हैं सिटी फॉरेस्ट अरे मैं इसकी कुछ फोटो खींचता हूँ किसकी मेरी इसका 17 को बर्थडे है ना ओह हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे पार्टी देगा दीपेश अमन को कौन से होटल में तो यहाँ पे आप सनसेट पॉइंट पे सनराइज एंजॉय कर सकते हो It's a very wonderful place. It's time to go. Bye bye. Balrao Van tha. Ha, Balrao Van. Okay, kahan pe? Is taraf. Okay, that way. And is taraf bas van hai lekin aap dekh sakte hain yahan pe bas nahi hai. Okay. To bas is taraf jamun van hai. Kahan pe yahan pe jamun nahi hai. Bas naam rakh rakhe hain inke. Oxygen परी फोलिए बैम्बू साला बैम्बू तो लगाती तुम क्या सब झुक गई है इसको कुछ भी चाहिए रहता तो सारी पत्ते झुका के बैठ जाता है ये तो देख कैसा है ये तो वो है क्या पत्तियां नहीं है ये बंदर की रोटी है लेकिन कच्ची है अभी खाते हैं क्या हाँ मजाक मत कर खाते हैं इसमें देख तोड़ के देख तो फाइनली हमें एक बहुत ही प्यारा सा पौधा मिला है और यहाँ पे लोग इसे कहते हैं कि ये बंदर की रोटियाँ हैं हाइट काफ़ी कम है मेरी आई गेस तो देख सकते हो कि मतलब मुझे जो इसका नाम पता था इसको चिलबिल बोलते हैं कौन सा पेड़ है
हॉलोप्टेलिया उड़ के आया करता था छत पे, तो इसको हम लोग खोल के इसके अंदर की सीड्स खाया करते थे. तो यहाँ पे चिलबिल बोलते हैं और लोग यहाँ पे इसको बंदर की रोटियों के नाम से जानते हैं. एंड उन्होंने आपको साइंटिफिक नेम बता ही दिया. तो पहली बार ये पौधे को हमने ग्रीन में देखा है. पेड़ दो इस तरह से मैंने रख लिया है. तुम लोग अपने लिए तोड़ना है तो तोड़ लो, मैं नहीं देने वाला. ओके ठीक है, आई हैव इनफ ऑफ इट. वेट दीपेश, ये कौन सा पौधा है? शुभम? नहीं पता मुझे, तो पता करो नाम दिखा. जंगल में आग लगी है. तो उसका और क्या नाम है? जंगल में आग लगी है. जंगल में आग लगी है सर. हाँ फिर से एक बार नाम, मुझे समझ में नहीं आया. एरिथ्रिना कैफ्रा. ओके, सो दिस इज अ प्लांट ऑफ एरिथ्रिना कैफ्रा. फॉरेस्ट ऑन फायर. फॉरेस्ट ऑन फायर. आज असली में जंगल में आग लग रही है. किसी के पास स्कैल्पल है क्या? स्कैल्पल लाना चाहिए था. नहीं हाँ. काटना आसान होता उसका. अब अपन अंदर घुस चुके हैं. आप देख सकते हैं, मैं इसको कहना चाहूँगा कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट खत्म हो गया. स्टार्टिंग पॉइंट से मेरा मतलब शुरुआत का 20% बस. ओके अब मिडिल में आ चला. अब यहाँ से सीधा सीधा रास्ता है. तो ये वाली बर्ड देखते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर मिलती है तो देखेंगे. दिपेश चिड़ै बनी की एक्टिंग कर. ओए दिपेश चिड़ै बनी की एक्टिंग कर रहा है. वंस मोर दिपेश. वंस मोर बैच में डाले थे. वंस मोर और बस. ओए चिड़िया, ओए हमें ये चिड़िया दिखने वाली. चिड़िया देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो. ओए चिड़िया मस्त था. कौन सा वाला तुम? और ऊपर एकदम मोटा वाला ले ले अपने प्यारे दोस्त. भाई ज्यादा गिरियो मत बस. विच वन? उम्मा के हिसाब से उन्हें वो छोटा रहेगा. कौन सा एंगल ले रहे हो यार? मैंने देवियों को भी सर्च किया तो बंदर दिखा रहा था. अरे सामने भी उल्लू आ रहे थे. उल्लू पीछे में? उल्लू कहाँ? That's an उल्लू. कौन उल्लू है? That's an उल्लू. चश्मा कौन लगाया? चश्मा उतार के रख दिया है. मैं नहीं हूँ चश्मा. तो भाई चश्मा इधर नहीं होता भाई. यहाँ पे हमें उल्लू भी देखने को मिल सकता है. पक्षी का नाम खकुसट, खुस्तिया, खुसटिया, खुसटिया, एथनी ब्रामा, एथनी ब्रामा. इसका क्या कंसेप्ट है राशि वन का? राशि वन का कंसेप्ट इन सब में राशियाँ लिखी है और वहाँ पे इनका एक पौधा लगा है. Oh. जो कि इन्हें सुख समृद्धि प्रदान करता है. क्या करता है यहाँ पे ये जो जो कि इन्हें सुख समृद्धि प्रदान करता है? अच्छा मतलब हर राशि का एक पौधा होता है. हाँ जैसे आप देख सकते हैं मेरी राशि मीन है. अच्छा आपकी राशि मीन है. और मेरे लिए पीपल का पेड़ शुभ माना जाता है. ओह तो पीपल का पेड़ कहाँ है? जैसा भी पीपल रहा. ये पीपल है. अच्छा वो छोटा वाला पेड़ आपके लिए शुभ है. हाँ ओके. शुभम की राशि कुंभ है और इनके लिए नारियल है. इनके लिए तो नारियल लगा नहीं रखा है लेकिन मीन राशि. हाँ शुभम भैया की राशि कुंभ है. आइए आशीर्वाद ले लीजिए. कहाँ पर तेरी राशि मीन है? मेरे को पता नहीं है. मीन है डी. हाँ डी है तो मेरी भी मीन हो गई. हाँ ओके वो था शुभ मीन. राशि मीन है. वी आरंट मीन. हाँ जरा पॉट देख टूट रहे हैं क्या? क्या आइटम्स? आइटम्स अभी एक और उसमें ऐड होने वाला है. ये किसके लिए है ये सब? अरे मैं बेचूंगा वहाँ पे जाके. किसको? जो मिल रहा है 1000-2000 दो देगा. शुभम के लिए ये उमाकांत के लिए कंफर्म्ड है. इनके ना स्टार्टिंग प्राइस 150 चालू होगी. ठीक है 150 टाइम्स 6. हाँ ओके वो 1000 रुपये. हमारे पास ये भी है. ये शायद किसी लड़की को पसंद आ जाए. एटलीस्ट 200 के आसपास बेचेगा ये. तो We are going to the titli one. With a titli? With a titli. Titli उड़ के दिखाना please. No. थोड़ा सा छोड़ो. शर्माओ मत. Next.
दिव्य मॉन्ट ट्राई तितली कैसे उड़ती है? नहीं हम चिड़िया बनने आता है, तितली बनने नहीं आता। तितली वन में तितली है? खिलावा नहीं है ये, ऐसे छोटे 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 से पिंक और व्हाइट फ्लावर ना खिलते हैं यहाँ। खा सकते हैं इसको अपन? नहीं वो फ्लावर्स हैं, यहाँ से देखो। ये देख ये एंजल ट्रम्पेट्स। कौन सा प्लेन? एंजल ट्रम्पेट्स। एंजल ट्रम्पेट्स, अभी तक तो बटरफ्लाई दिखी नहीं एक भी। यहाँ अभी तो नहीं दिखेगी, रात को स्प्रिंग। अच्छा स्प्रिंग में, ओ अभी पतझड़ है। ये क्या था? दीपेश इज डेयरिंग यू नो, किसी और को नुकसान नहीं पहुँचाना। अनलाइक दिस पर्सन, ये लोगों को ना हानि करके आ जाते हैं। जी लो ये एक ओए, ये पूरा बुके बनेगा रे आज तो। किसके लिए? तो हम लोग इस समय तितली वन में, और अभी पतझड़ का मौसम है इसलिए एक भी तितली नहीं दिखी। बट द प्लेस इज ब्यूटीफुल, यू कैन सी इट। मेढक देखना हो तो आपको दिख जाएगा। वेयर इज ये? देखिए ये देखिए। नहीं नहीं रियल वाला मेढक कहाँ? मेढक कहाँ पे? मेढक पानी में कहाँ पे? ओए पानी में मेढक, ओए पानी में मेढक क्या जमीन पे कर रहा है? मेंढक बस मेंढक पानी में गया तो पानी जहरीला हो जाएगा। गड्ढे में जाते हैं। वो छोटा सा घर किसके लिए बनाया गया है? वो वाला देखिए, घर में कोई है कि रेंट पे फ्री है? मतलब भाई तुम अकेले आए हो, कुछ नहीं कर सकते। ये घर किसके लिए है? मेकआउट के लिए बनाया गया लोगों ने। और नीचे वो लटक रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा ऐसा लग रहा है ना, बहुत ऊंचा ही काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। हाँ जबकि नीचे से लगता है कि थोड़ा सा चढ़े। हाँ मार दीपेश, वेरी क्लोज अटेम्प्ट था। क्लोज अटेम्प्ट क्या, उन्हीं पे लगे जा रहे। देख पकड़ो, बस हो गए तुम लोग। किसी अगर कोई कपल वपल हुआ यहाँ पे तो उसको उतर फोड़ दोगे जाने में। फाइनली दिव्य ने गिरा दिया। क्या वैसे अब मेरे को नहीं पता है ये क्या है। क्या है ये दिव्य? क्या है ये? ये बेल है और इसे खा सकते हैं। अच्छा पानी नहीं चल रहा यहाँ पे, मैंने आज तक कभी खाया नहीं, ये खा रहा है। ये देखो पका भी है शायद। मुझे देना। अरे यार ये यूई यूई का टाइप का। एक तो ये खाने की इच्छा भी हो रही है। अब रखता हूँ मैं इसको ना। अपन क्या कहते हैं इसका जूस बनाएंगे। ठीक है पता है इसका अपने पास छन्नी है। अच्छा है। ओह लेट मी ट्राई देन। Weird. Weird तो है ये। Weird है लेकिन अच्छा लगा मुझे टेस्ट। देखिए ये मेरे हाथ में भी एक करुंदा है। भैया करुंदा है? What is this? करुंदे करुंदे हैं। हाँ चलो अपने ट्राई इट। टेस्टी है, मीठे लग रहे हैं थोड़े से, पर ये स्टंट कभी घर पे ना ट्राई करें। क्या पता कभी भी फॉरेस्ट का कोई भी चीज खाने से आपको फूड पॉइजनिंग या कुछ भी हो सकता है। क्या पता आप टपक ही जाए। क्या पता आप टपक भी सकते हो। करुंदे के बीच वैसे जहरीले होते हैं। क्या हुआ? जिंदा रात तो मिलेंगे। अगर आप भी सिटी फॉरेस्ट जाना चाहते हो तो दिस माइट बी हेल्पफुल कि सिटी फॉरेस्ट 5.4 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन से और 1.8 किलोमीटर की दूरी पर है ये मेडिकल कॉलेज से। At last, thank you so much for watching the video.